दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दो तीन ऑफर बताऊंगा, आप सभी ऑफर अच्छे से सुनना। उसके अलावा मैंने टेलीग्राम पे कल एक सर्वे डाला था जहाँ पे आप सबको पूछा था कि पेजैप एप्लीकेशन में जो स्कैन एंड पे वाली ऑफर है, जहाँ पे पेजैप एप्लीकेशन आपको 250 रुपीज कैशबैक दे रहा है एक ट्रांजेक्शन करने पर, तो आपने उस ऑफर को लूटा है या नहीं, या आपके पास भारत QR कोड है या नहीं। तो यहाँ पे 13% लोगों ने 250 रुपीज ले लिए थे, बाकी के किसी भी लोग ने ट्रांजेक्शन भी नहीं किया था, उनके पास भारत QR कोड भी नहीं था। पर आज के बाद आप सब लोगों के पास भारत QR कोड भी आ जाएगा, इससे आप 250 रुपीज अपने पेजैप वॉलेट में भी ले सकते हो। उसके अलावा भी काफी सारी ऑफर्स है जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी, तो आप वीडियो अच्छे से देखना। उसके बाद मैं आपको जो भी ऑफर्स बताता हूँ सभी ऑफर्स अच्छे से अप्लाई करना, इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी आपके लिए कोई नई ऑफर लाऊं या कुछ लेटेस्ट ट्रिक बनाओ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अभी तक आपने हमारी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी जाओ और ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो लोग ने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया है उनको तो टेलीग्राम चैनल से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता ही रहता है। क्योंकि आज सिटीजन मी में एक भी एक सर्वे आया था जहाँ पे आप सब लोगों को 10-10 रुपीज मिल रहे थे, और अमेजोन काफी सारी ऑफर्स में टेलीग्राम पे बताता रहता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड सबसे पहले ऑफर निकल के आती है वोवा एप्लीकेशन की ओर से, जहाँ पे वोवा एप्लीकेशन में एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है जिससे आप सब लोग बहुत खुश हो जाओगे। जिसके पास UPI नहीं था पेटीएम का और जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं था, वो भी लोग अभी वोवा एप्लीकेशन से फ्री में प्रोडक्ट ले सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, वोवा एप्लीकेशन अपडेट नहीं किया तो प्ले स्टोर में जाके अपडेट कर लो। उसके बाद अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाके सबसे पहले वोवा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। उसके बाद आपको रजिस्टर करना है, रजिस्टर जैसे ही करोगे 15 या 20 के बीच में आपको डायमंड मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आपको फ्री प्रोडक्ट चाहिए वोवा एप्लीकेशन पे तो आपको 20 डायमंड रिक्वायर है। अगर आपके पास 20 डायमंड है तो आप वोवा एप्लीकेशन से कोई भी प्रोडक्ट फ्री में ले सकते हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे अगर आप साइन अप करते हो आपको 15 डायमंड मिलते, तो बाकी के आपको 20 डायमंड करते वक्त आपको 2-3 फ्रेंड को रेफर कर देना है। अगर आपको वोवा एप्लीकेशन 100-150 रुपीज के प्रोडक्ट फ्री में दे रहा है तो आप 2-3 फ्रेंड को तो आराम से रेफर कर सकते हो। यहाँ पे रेफर करोगे तो आपको 2-3 डायमंड और मिल जाएंगे, जितने फ्रेंड को रेफर करोगे उतने डायमंड आपको मिलते जाएंगे। तो 2-3 फ्रेंड को रेफर कर दो, और वोवा एप्लीकेशन से मैंने काफी सारे प्रोडक्ट मंगवाए और वो प्रोडक्ट अभी घर पे भी आ गए। यहाँ पे मैंने मेमोरी कार्ड, स्मार्ट वॉच, काफी सारे प्रोडक्ट मंगवाए थे तो यहाँ पे स्मार्ट वॉच भी आ गए और काफी सारे प्रोडक्ट अभी आ ही रहे। आप वोवा एप्लीकेशन से 2-3 फ्रेंड को रेफर कर दो साइन अप बोनस में, तो आपको कुछ ना कुछ डायमंड मिल जाएंगे। इसके बाद अपडेट क्या आई है, तो आपको अगर 20 डायमंड्स हो जाते उसके बाद आपको प्रोडक्ट प्लेस करना है फ्री में, तो प्रोडक्ट प्लेस करने जाओगे। उसके बाद पेमेंट ऑप्शन में आपको UPI चूज करने के बाद आपको UPI से पेमेंट करना होगा। UPI से पेमेंट करते वक्त आपको UPI जहाँ पे लिखा है ना UPI पे टच करना है। UPI पे टच करोगे तो आपको एक दूसरा पेज ओपन होगा, वहां पे आप वॉलेट से पैसे पे कर सकते हो, आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग कहीं से भी पैसे पे कर सकते हो। अभी वॉलेट का एक नया ऑप्शन आया जहाँ पे आप एयरटेल पेमेंट बैंक भी जुड़ गया है, तो बहुत सारे वॉलेट के ऑप्शन आपके लिए खुल गए, तो अभी आप वॉलेट ऑप्शन को चूज करके वॉलेट से भी पैसे पे कर सकते हो, वो एक बहुत अच्छी बात है। तो आप जाके एक बार देख लेना कि अपडेट में क्या चेंजेस हुआ है, अभी वॉलेट नया ऐड हो चुका है। अगर आपके पास UPI से पेमेंट नहीं करना चाहता तो आप वॉलेट से पैसे पे कर सकते हो, और आपको फ्री में वोवा एप्लीकेशन प्रोडक्ट आपके घर पे भी डिलीवर हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको टेलीग्राम पे पूछा था कि किन लोगों के पास भारत QR कोड नहीं है, तो आज उन सब लोगों के पास एक यूनिक भारत QR कोड आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो भी स्टेप फॉलो करता हूँ वो स्टेप फॉलो करो, क्योंकि भारत QR कोड के साथ आपकी बैंक अकाउंट भी लिंक होता है, तो आप अगर रजिस्टर में कुछ गड़बड़ कर दोगे तो आपके पैसे बैंक में नहीं जाएंगे। इसके लिए आपको पूरा प्रोसेस समझना होगा, देखना होगा। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाना है, mGalla एप्लीकेशन का नाम है जो आपको भारत QR कोड देने वाला है, तो mGalla एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन एलो करनी होगी, तो एलो कर दो। उसके बाद रजिस्ट्रेशन पे जाना है, रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद इंडिविजुअल चूज करने के बाद आपको नेम, आपका मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, उसके बाद आप बिजनेस नेम में कुछ भी डाल सकते हो। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको वही नंबर और पासवर्ड डाल के साइन इन करने के बाद, जैसे ही आप साइन इन कर दोगे mGalla एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको डायरेक्ट ट्रांजेक्शन नहीं करने, आपको सेटिंग में जाना है, पर्सनल डिटेल्स में जाने के बाद आपको बैंक अकाउंट ऐड करना होगा, उसके बाद पैन कार्ड भी ऐड करना होगा। आपके जो सारे पैसे वो विथ इन 2 या 3 डेज में आपके बैंक अकाउंट में पहुंचा दिए जाएंगे। मैंने यहाँ पे 10 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन किया था तो वो 10 रुपीज़ मेरे पेटीएम पेमेंट बैंक में आ चुके,
तो आपको यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, जो सारे पैसे है वो 2-3 दिन में आपके बैंक अकाउंट में पहुंचा दिए जाते हैं। तो सेटिंग में जाने के बाद आपने बैंक अकाउंट ऐड कर दिया, उसके बाद मेन पेज शो हो जाएगा। तो मेन पेज पे आपको अपना नेम डालना होगा कि आप किस नेम से, मीन्स किससे ट्रांजेक्शन करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल दो, मोबाइल नंबर डालने के बाद उसके बाद कस्टमर नेम पूछा जाएगा, बिल नंबर पे आप कुछ भी डाल सकते हो। उसके बाद अमाउंट मेन है, अगर आप mGalla एप्लीकेशन से फर्स्ट बार ट्रांजेक्शन करते हो, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप अगर ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहते तो आप केवल 10 रुपीज देकर भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। जैसे कि मैंने फर्स्ट बार 10 रुपीज ही से ट्रांजेक्शन किया था। तो आप अगर फर्स्ट बार mGalla एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, आप भारत QR कोड लेना चाहते हो, तो 10 रुपीज लिखो, उसके बाद नीचे आपको भारत QR कोड का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप भारत QR कोड पे टच करोगे, आपका एक यूनिक भारत QR कोड शो हो जाएगा, जिसका आप अभी स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। अगर आपके पास दूसरा फोन है तो आप फोटो कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका 10 रुपीज का भारत QR कोड क्रिएट हो गया, उसके बाद पेजैप की ऑफर अच्छे से समझ लो तो बेहतर होगा। जिसको नहीं पता तो पेजैप में स्कैन एंड पे वाली ऑफर क्या है कि आप यहाँ पे 2500 रुपीज भारत QR कोड स्कैन करके 2500 रुपीज पे करते हो भारत QR कोड को, तो आपको 250 रुपीज पेजैप आपको एक्स्ट्रा कैशबैक दे देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2500 रुपीज का ट्रांजेक्शन किया था, तो मुझे 250 रुपीज का कैशबैक मिल चुका है। और भारत QR कोड केवल एक ही एप्लीकेशन नहीं देता, Payunow एप्लीकेशन भी देता है, पेसिप एप्लीकेशन भी देता है, लेकिन ये दोनों एप्लीकेशन अभी भारत QR कोड किसी को भी नहीं देते। अभी mGalla एप्लीकेशन आपको भारत QR कोड दे रहा है, तो आप उसका बेनिफिट भी अच्छे से उठा लो। तो आप स्कैन एंड पे वाले ऑफर पे जाओ, उसके बाद आपने जो भारत QR कोड दूसरे मोबाइल से कैप्चर किया, वो भारत QR कोड वहाँ पे स्कैन कर दो, उसके बाद 10 रुपीज अपने पेजैप डेबिट कार्ड से पैसे पे कर दो, का ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आप जब mGalla एप्लीकेशन में जाओगे तो ट्रांजेक्शन डिटेल में 10 रुपीज आ गए होंगे। 2 या 3 डेज के बाद जो सारे पैसे वो बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। अगर फर्स्ट बार ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो 10 रुपीज का करना, 0 रुपीज से लेकर 50 रुपीज के बीच में करना। अगर आप 50 रुपीज से ज्यादा का ट्रांजेक्शन करते हो तो स्कैन एंड पे वाली ऑफर में आपके पैसे काउंट हो जाते हैं। 50 या 2500 के बीच में आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हो उसके 10% आपको कैशबैक मिलता है। 10 ही रुपीज करना ताकि आपका ट्रांजेक्शन काउंट ना हो। तो 10 रुपीज जब आपके बैंक अकाउंट में चले जाए, उसके बाद आप 2500 रुपीज के ट्रांजेक्शन कर दो, आपको 250 रुपीज का कैशबैक अपने पेजैप वॉलेट में मिल जाएगा। जैसे कि मैंने ऑलरेडी 2500 रुपीज प्लेस करके 250 रुपीज का कैशबैक मेरे पेजैप वॉलेट में आ गया है। जिसके पास भारत QR कोड नहीं था वो यहाँ पे भारत QR कोड ले सकता है। यहाँ पे भारत QR कोड लेने का बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि आप लिंक क्रिएट करके भी यहाँ पे भारत QR कोड से पैसे पे कर सकते हो। यहाँ पे भारत QR कोड का केवल एक ऑप्शन नहीं है, मैंने आपको एक ही ऑप्शन बताया। आप डाउनलोड करके खुद से एक बार चेक कर सकते हो एप्लीकेशन को, उसके बाद आप ट्रांजेक्शन करो। जिसके पास भारत QR कोड नहीं था, जिसके पास 250 रुपीज अर्न नहीं किए पेजैप वॉलेट में, उस सबको इस वीडियो से बहुत ज्यादा बेनिफिट हो गया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो ऑफकोर्स अपनी ओर से एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों को भी बताना जिसके पास भारत QR कोड नहीं था, या जिसको वोवा एप्लीकेशन से कुछ प्रोडक्ट मंगवाना था उसको भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो, ताकि आपका दोस्त भी अच्छे अच्छे ऑफर्स के बारे में जान सके। आप इस चैनल पे नए तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी आपके लिए कोई नई ऑफर लाऊं या कुछ लेटेस्ट ट्रिक बताऊं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।